रफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए। हम लोग रेलवे स्टेशन से आते हुए भारी संख्या आ गई, भारी संख्या में यहाँ आए। हम लोगों ने किसानों के हित में नारे बोले, हम लोगों ने किसानों के मांगों को पूरी करने के लिए प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ा हमारा आज का मुद्दा था कि हमारे नेता अखिलेश यादव को जो हाउस अरेस्ट किया गया है उनको तुरंत रिहा दिया जाए और किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। पूरा अमला जो है वो किसानों के पक्ष में है। किस तरह का प्रदर्शन किया गया? समाजवादी पार्टी के आह्वान पर 7 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह निर्देश आया कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में जन जागरण करने का काम करेगी। हम लोग आनंद फानंद में उसकी तैयारी किए और तैयारी कर हम लोग गांव-गांव, मोहल्ले मोहल्ले और खेत खेत, खलिहान खलिहान जन जागरण करने का और किसान विरोधी बिल को किसानों के बीच में बताने के लिए का प्रबंध हम लोगों ने किया था। लेकिन अचानक सुबह यह सूचना प्राप्त हुई मीडिया के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने घर में रात में सोए हुए थे और उत्तर प्रदेश की ये जोगी की बर्बर पुलिस और तानाशाह सरकार ने आज उन्हें अरेस्ट हाउस कर लिया है, हाउस अरेस्ट कर लिया है। और पूरा विक्रमादित्य मार्ग जो उनके घर का रास्ता है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय का रास्ता है, उसको पुलिस के छावनी में तब्दील कर दिया है। हम लोग और इसके साथ साथ धर्मेंद्र यादव और तमाम राज्यपाल कश्यप, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम हमारे नेता गिरफ्तार हो गए हैं। उस गिरफ्तारी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर गई है और सड़क पर उतर करके इस सरकार के काले कारनामे का और इनकी गलत नीतियों का विरोध करने का काम किया है। इसी तत्वाधान में आज पूरे नगर का भ्रमण करते हुए, नारा लगाते हुए, सरकार का विरोध करते हुए, चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, काले कानून को वापस लेने की अपनी मांग को दोहराते हुए तहसील मुख्यालय पर धरना दिया है। कार्यकर्ताओं ने लगातार अपने नेता की रिहाई का आह्वान किया, जिस पर SDM बेलसा रोड ने सबको गिरफ्तार किया है और थोड़े देर में उन्होंने रिहाई की घोषणा किया है। हमारे 2500 से ऊपर कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद रिहा किए गए हैं। मैं अभी यहीं रुकने वाला नहीं हूं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहीं रुकने वाला नहीं है। कल भारत बंद है और कल हम पूरे दम के साथ, जोश के साथ, ताकत के साथ भारत, किसानों के भारत बंद का सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी जीवन जया की मरण होगा, याचना नहीं अपहरण होगा, इस नारे के साथ हम मैदान में कूदने का काम करेंगे। जय हिंद, जय सिंह। उनका समर्थन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और मुलायम और अखिलेश का बच्चा बच्चा सिपाही, हर सिपाही एटम बम से खेला है। जो भी दुश्मन दो चार बम गिरा इधर उधर तो हमने समझा ढेला है। भरी सभा में गरज गरज कर मुलायम दिल से बोला, जो भी दुश्मन चढ़कर आए मारो बम का घोड़ा, पुर्तगाल हो चिंता नहीं जहान की, भारत माँ के दिल से भारी है बलिदान, इस मिट्टी से तिलक करो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के आज किसानों को लेकर के हम सभी लोग रोड पे हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि सारे लोगों ने जब सुबह टीवी खोला तो उन्होंने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी को उनके घर में नजर बंद कर दिया गया। आखिर ये बताइए उनका कसूर क्या था? क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम समाजवादी लोग पूरे प्रदेश में नेता के अगवानी में नेता को किसानों को जो है कि आगे करने के लिए, किसानों की मांग के लेकर के आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी रोड पे थे। हम अपने लिए नहीं थे, हम किसानों के लिए हैं, हम नौजवानों के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए हैं। आज हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, खास करके मोदी सरकार आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या है? जब आप सत्ता में आए हैं तब से आपने किसानों का, नौजवानों को, महिलाओं को, सबका जीना हराम कर दिया है। आखिर आप चाहते क्या है वह बता दीजिए। हम देश के वासियों को करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद।